नमस्कार जी, मैं संध्या। आज फ्रेंड्स, मैं ये डेली के बारे में तो कुछ बातें शेयर करूँगी कि इसकी केयर कैसे करेंगे और इसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डेली है और जैसा कि नाम इसका डेली है, उसी तरह ये फ्लावरिंग भी करता है। एक दिन का इसका लाइफ होता है, मतलब इसके फ्लावर का लाइफ होता है, इसी के लिए इसका नाम डेली मतलब पड़ा है। तो ये देखिए, इसमें ये बर्ड्स आने लग गई हैं इसी मौसम में। दिसंबर सीजन का अच्छा मतलब प्लांट है, तो इसी टाइम में ये फ्लावरिंग करता है। तो ये देखिए, कुछ इसके बर्ड्स इस तरह आते, ये स्टॉक निकलती है और इस तरीके से इसके बर्ड आते हैं। और जब ये खिलना स्टार्ट होता है तो हर रोज़ जो है आपके गार्डन में ये फ्लावर देता ही रहता है, जितनी इसके स्टिक में जो है बर्ड बनी रहती हैं। तो इस तरह से कई सारे बर्ड्स मतलब कई सारे स्टिक निकलते हैं और ये फ्लावरिंग करता रहता है एक लंबा टाइम तक। और इसका पहले हम पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैंने इस गमले में लगा रखा है और ये कम से कम 3-4 साल पुराना मतलब प्लांट है ये मेरा। तो कम से कम चार पाँच साल पुराना तो है ही ये मेरा, और मैंने कोई इसका रिपोर्टिंग नहीं किया है। मैं एक छोटा सा एक ही प्लांट लेकर आई थी, उसी से ये इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो आप चाहे तो इसे मतलब सीमेंट पॉट में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं और इस मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं। ये ईजी चलता रहता है, बस ये है कि इसका सॉइल मिक्सचर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो चलिए सॉइल मिक्सचर पे भी हम बात कर लेते हैं। तो सॉइल मिक्सचर इसका कैसा होना चाहिए? सॉइल मिक्सचर इसका क्या है कि एक भाग आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें एक भाग आप सैंड ले लीजिए और बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर तीनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ले लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट डाल लीजिए इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी में थोड़ा सा नमी रहना चाहिए, सौगी नहीं मिट्टी होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि मिट्टी में इसके नमी रहना चाहिए, तो ये प्लांट जो है इजीली चलता रहता है। और फिर वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो गर्मियों में इसे हर रोज़ वाटरिंग करना चाहिए, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मिट्टी जो है वो मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन सौगी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हर रोज़ वाटरिंग करना ही पड़ेगा। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन क्या है कि इसे पूरे दिन की सनलाइट ज़रूरी है, कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट तो होनी ही चाहिए, तभी ये जाके इसमें बर्ड आएंगे और ये फूल खिलाएगा। लगभग लगभग सभी फूलों के लिए तो मतलब सनलाइट का होना ज़रूरी है, धूप का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि मैंने बताया कि समर का प्लांट है और समर में ही मतलब ये ब्लूम करता है, तो इसको कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए। इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि हर रोज़ इसमें जो है पानी डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है फिर धूप में प्लांट रहेगा तो ये उड़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर धूप है तो इसको थोड़ा सा नेट के नीचे या किसी बड़े प्लांट के नीचे आप रख सकते हैं। मैंने भी प्लांट के झुंड में रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है और अभी वीडियो बनाना था तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। और बाकी ये मेरा प्लांट तो पूरे दिन की सनलाइट में ही रहता है और इसको सुबह की इसकी धूप ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर सुबह की धूप ना हो तो शाम की भी धूप मिले तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा तो दोपहर के बाद का इसको धूप मिलता रहता है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई देखिए, इस तरीके से ये कितने सारे निकल गए हैं और आपका गमला मतलब फुल हो जाता है। ये देखिए, इसमें राइजोम होते हैं, ये राइजोम के थ्रू ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो यहाँ से आप इसको अलग करके किसी भी पॉट में आप लगा सकते हैं और 3-4 साल तक, जैसे कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, तो अब मेरी जब बरसात आएगी और ये ब्लूमिंग इसकी ख़त्म हो चुकी रहेगी तब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इसके ये प्लांट जो है अलग अलग निकाल के अलग अलग गमलों में मैं और भी मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो इससे क्या है कि मेरे पास काफ़ी सारे इसके प्लांट जो है तैयार हो जाएंगे। अब डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी बीमारी या कोई भी अटैक नहीं, किसी भी मतलब कीड़े मकोड़े का कोई अटैक नहीं होता है। हाँ, जैसे आप और प्लांट को नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो आप इसको भी स्प्रे करते रहिए, ताकि कोई अगर डिजीज़ आना भी चाहे या मकड़ी वगैरह जाला वगैरह लगाना चाहे तो वो ना आए और ये प्लांट जो है आपका सेफ रहे। और फ्रेंड्स, जैसे कि इसके फ्लावर हैं ये, तो ये जैसे जैसे ये मतलब मेच्योर होगा ये पीला होते जाएगा, तो आप ये ना सोचें कि ये मतलब पीला पड़ रहा है और ये प्लांट ये जो बर्ड है ये गिर जाएगी, नहीं, जब ये खिलने लगता है तो इसका बर्ड जो है ये पीला ही होने लगता है, उसके बाद ये खिलता है। मेरे पास ये ऑरेंज कलर का है, इसमें कई सारे कलर भी आते हैं, वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, जैसा कि मेरे पास ये ऑरेंज कलर का ही है, ऑरेंज डेली मेरे पास है ये, तो अभी खिलने लग जाएगा। तो इसका एक जब इस फ्लावर जो जैसा कि मैंने बताया कि ये डेली इसका नाम है, तो एक दिन का इसका लाइफ होता है। जैसे गुड़हल वगैरह को आप लोगों ने देखा ये कि सुबह में खिलता है और शाम में ही वो स्पेंड हो जाता है, तो इसका क्या करिए कि अगले दिन डेड हेडिंग कर दीजिए। अगर डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो ये क्या है, पूरी एनर्जी जो है इसी में लगाते रहेगा, फिर और जो फ्लावर आएंगे वो छोटे आएंगे और उतने अच्छे
कलर नहीं आएंगे और इनका साइज़ भी छोटा ही होगा। तो इसलिए इसका क्या है कि हर रोज़ जब ये स्पेंड हो जाए तो इसका डेड हेडिंग कर दीजिए। और अगली बात ये है कि जब ये पूरे फ्लावर जो हैं मतलब ख़त्म हो जाए, इसमें इसका टाइम ख़त्म हो जाए, तो आप इसकी स्टॉक जो है वो नीचे से इसको कट कर दीजिए, ताकि इसकी एनर्जी जो है इसके राइजोम में बनी रहे और फिर अगले साल जो है ये मतलब और भी अच्छे से फ्लावर करे, मतलब अगले टाइम और इसके और भी मतलब ये जो हैं अलग अलग ये मल्टीप्लाई होते रहें। और चाहे तो आप जब इसका सीज़न ऑफ हो जाए, जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां क्या होती हैं कि सूखने लग जाती हैं, तो चाहे आप यहां से इसको कट कर सकते हैं, और नहीं भी कट करेंगे तो कोई बात नहीं, इसकी पत्तियां जो है आप मतलब ऐसे ही रहने दीजिए, वो अपने आप ही वो सूख के हट जाती हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि अभी समय गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, ये मई जून चल रहा है, तो इसकी गर्मियाँ बहुत पड़ती है, इसके नीचे मल्चिंग कर दीजिए। जैसे कि देखिए इसकी पत्तियों को मैंने हटाया नहीं, सूख के इसी में पड़ी हुई हैं ये, तो आप चाहे किसी भी फर्टिलाइज़र से, ड्राई फर्टिलाइज़र से आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या फिर कोकोपीट वगैरह हो, मतलब या राइस हस्क हो, उससे मल्चिंग भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें हम गुड़ाई तो कर नहीं सकते, तो हम गुड़ाई जब नहीं कर सकते हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र कैसे देंगे, मतलब कि अब ड्राई फॉर्म में हमने इसको मल्चिंग तो कर दिया, अगर हम नहीं मल्चिंग कर रहे हैं तो वो ऐसी का वैसी ही मतलब रह जाएगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो वो रिस के जो फर्टिलाइज़र है वो इसमें मतलब इसमें जड़ इसके जड़ों तक पहुंच जाएगा। और जब फर्टिलाइज़र की बात चली रही है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र देने की अपेक्षा अगर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दें तो वो ज़्यादा मतलब इसके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कि बर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या किचन वेस्ट से जो निकलता है सब्जी वगैरह के छिलके, उसको पानी में आप भिगो कर रख दीजिए, और 3-4 दिन बाद जब वो अच्छे से मतलब वो हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसका पानी आप निकाल के और पानी में मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। तो ये सब फर्टिलाइज़र जो है इसके फ्लावरिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और इसमें बड भी अच्छी आएंगे और स्टॉक भी काफ़ी निकलेगा, तो आपके गार्डन में काफ़ी ये फूल भी देगा और इसकी पत्तियाँ भी लश ग्रीन होंगी, ग्रीनरी बिखेरेगा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये मरता है तो किस तरीके से मरता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि राइजोम के थ्रू ये मतलब पौधा प्लांट है ये बनता है, तो इसके राइजोम में अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो वो इसका राइजोम जो होगा वो सड़ने गलने लग जाएगा, फंगस का अटैक होगा, तो इसके वजह से जब उस राइजोम इसका ख़राब होगा तो पूरा प्लांट ही ये ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से पानी इसमें जो है कि नमी तो आप इसकी मिट्टी में बनाए रखिए, लेकिन मतलब मिट्टी को सौगी मत बनाइए, पानी मतलब दलदली नहीं होना चाहिए, इसे पानी भरे नहीं रहना चाहिए। तो इसी वजह से इसकी जो सॉइल मिक्सचर आप तैयार करेंगे उसमें कुछ मात्रा जो है वो सैंड का ज़रूर मिलाइए। इस समय नर्सरी में क्या है कि इसके बने बनाए प्लांट भी मिलते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो जाइए प्लांट ले आइए, प्लांट लगा दीजिए, या फिर राइजोम भी मिल रहे होंगे तो जाइए आप राइजोम भी खरीद कर ला सकते हैं और लगा सकते हैं। एक राइजोम भी आपने लगा दिया तो इतने सारे मतलब इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे, और आप चाहे तो हर 2 साल में, 1-3 साल में आप इसको अलग करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और फिर इसके फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। तो इसमें कई सारे कलर होते हैं, आप कलर पता कर लीजिएगा कि कौन से कलर का है, इसमें कई सारे कलर आते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और ये साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है इसी समर सीज़न में, बाकी टाइम इसकी पत्तियां ही खूबसूरती गार्डन में बनाए रहती हैं। बस ये है कि सर्दियों का मौसम आ जाता है तो थोड़ा सा इसकी पत्तियां जो है वो सूखने लग जाती हैं, और बाकी बरसात में और गर्मी में पूरा टाइम जो है ये पत्तियां इसकी हरी भरी बनी रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने जो आज की वीडियो बनाई है और इसमें जो भी बेसिक जानकारियाँ दी हैं आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और थोड़ा सा वीडियो आज का अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। इसी तरह आप भी ये प्लांट ले आइए, लगाइए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।